हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑटोमेशन ट्रेडिंग बताऊंगा, वो भी प्रीवियस डे हाई पे, प्रीवियस डे लो पे, वीकली हाई पे, वीकली लो पे, मंथली हाई पे, मंथली लो पे। तो काफ़ी लोगों की क्वेरी थी कि वो चाहते थे कि वो प्रीवियस डे हाई लो पे ट्रेडिंग करें। एंड इसमें काफ़ी तरीके से ट्रेडिंग करी जा सकती है, पर मैं आज आपको बेसिक लेवल बताऊंगा कि आप इसको ऑटोमेशन में, हमारे बोर्ड के साथ ऑटोमेशन में कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जिस बेस पे मैं आज आपको बताने वाला हूं, इस बेस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं पिवोट पॉइंट पे। अगर आप पिवोट पॉइंट को देखेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएगी, और एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो चीजें पॉसिबल कैसे होती है। और उसी बेस से आज मैं आपको वीकली हाई, वीकली लो एंड प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे हाई पे ऑटोमेशन ट्रेडिंग कैसे करी जाती है ये बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, एक इंडिकेटर है एंड इसका इंडिकेटर का नाम है पिवोट पॉइंट सीपीआर विथ मंथली वीकली डेली हाई लो। तो आपको इस पे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस पेज पे आ जाएंगे एंड यहां पर आकर आपको ये दिखेगा ऐड टू फेवरेट, आपको ऐड टू फेवरेट कर देना है। देन जब आप ऐड टू फेवरेट कर देंगे तो ये आपको आपके फेवरेट के अंदर दिखेगा। वो कैसे दिखेगा, एग्जाम्पल दिखा देता हूं मैं। तो आपको करना क्या है, आपको इंडिकेटर पैनल पे आना है एंड पैनल पे आने के बाद आपको फेवरेट में क्लिक करना है। जैसे आप फेवरेट में क्लिक करेंगे तो आपको वो इंडिकेटर दिख जाएगा। अभी मेरे पास बहुत सारे इंडिकेटर इसलिए दिख रहे हैं, मेरे पास, मैंने काफी सारे फेवरेट में कर रखे हैं। एंड मैं इंडिकेटर का फिर से नाम बता देता हूं, ये है। जैसे आप इस इंडिकेटर पर क्लिक करोगे आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट मैंने पहले से ऐड कर रखा है एंड ये बाय डिफॉल्ट जब आपके चार्ट पे अप्लाई होगा, बड़े इसी इसकी वैसी सेटिंग होगी, सेटिंग का मतलब बड़ी ही खिचड़ी पका देगा। बट आप चाहते हो कि भाई ये वैसे जीएलटी में पिवोट पॉइंट है, पर मैं आपको इसको कस्टमाइज करवा के काम करवा रहा हूं प्रीवियस डे हाई पे एंड प्रीवियस डे लो पे। एंड आप पिछला क्या कहते हैं वीकली हाई एंड वीकली लो लेना चाहते हो उसे भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंडिकेटर की सेटिंग में आना है। इंडिकेटर की सेटिंग कहाँ होती है, यहां पर होती है। आपको इस पर क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको इनपुट में आना है। इनपुट में आने के बाद जैसे आप चाहते हो कि भाई मैं तो काम करना चाहता हूं प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो पे, तो ये बाय डिफॉल्ट सब पे टिक होगा, सब पे से आपको हटा देना। मैं डेली पिवोट भी हटा रहा हूं एंड लास्ट वाले ऑप्शन सेलेक्ट करके रखने, ये डेली हाई है, प्रीवियस डे हाई है एंड प्रीवियस डे लो है, एंड क्लिक करके ओके कर देना है। तो अब आपको चार्ट पे, मतलब ये जब आप ऐसा कर देते हो तो आपको लाइन शो होगी। लाइन शो होने के बाद आप स्टाइल पे जाओगे, अपने हिसाब से उसमें कलर भी दे लेना। ये नीचे दो लाइन है, मैंने अपने हिसाब से इसे बोल्ड कर रखा है एंड इसे डार्क कर रखा है। तो आप अपने हिसाब से कर लेना। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे यहां से आप डार्क कर सकते हो और जितना आप बोल्ड करना चाहते हो बोल्ड कर सकते हो। आई थिंक ये बेसिक आपको पता होगा। तो अब ये क्या है कि मेरे को चार्ट प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो दिखा रहा है। अब मैं ये चाहता हूं जो भी मेरा मतलब कॉइन है, एग्जांपल के लिए मैं एक वॉच लिस्ट खोल देता हूं, यस बैंक से स्टार्ट करते हैं, और जो भी आपको टाइम फ्रेम लेना वो आप टाइम फ्रेम ले सकते हो। तो मैं ये चाहता हूं, जैसे अब ये देखिए, ये जो लाइन है, ये जो लाइन अभी मैंने, जो मैं आपको दिखा दूं, ये ऑरेंज लाइन मेरी क्या है, प्रीवियस डे हाई है एंड ब्लू लाइन क्या है, प्रीवियस डे लो है। तो मुझे पता है कि ये लाइन जब टूटेगी तो मुझे सेल करना है या मुझे बाय करना है या मुझे लिमिट ऑर्डर लगाना है या मुझे टेक प्रॉफिट लगाना है, जो भी आप चाहते हो, या आपको स्टॉप लॉस लगाना है, वो डिपेंड करता है आपके कोडिंग पे। पर इस चीज को आप कंडीशन कैसे दोगे, अलर्ट्स कैसे दोगे, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, ये चीज वैसे मैं बता चुका हूं पिवोट पॉइंट के अंदर, पर हो सकता है कि आपको उससे ये पता ना चला हो कि आप डेली हाई लो पे कैसे काम करें। तो आपको मैं, मतलब प्रीवियस डे पे हाई लो पे कैसे काम करें, तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। तो जैसे कि मैं चाहता हूं कि, जैसे कि मैं ये चाहता हूं कि भाई जैसे ही डेली जो प्रीवियस डे लो है, यहां जैसे ही इस पे टच हो कैंडल, कैंडल टच होने की बात कर रहा हूं मैं, ओपन या क्लोज की बात नहीं कर रहा। काफी लोग होते हैं वो कैसे काम करते हैं, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ये चीज भी पॉसिबल है कि अगर आप ये चाहते हो कि जैसे इसको ब्रेकआउट करें, मतलब इसके बाहर हो ओपन कैंडल, देन ये बाय करें। एक मिनट मैं ऐसे कर दूं, एक मिनट में दिखाना भूल गया, फिर से मैं जूम करता हूं। जैसे कि इधर हो रखा है कि जैसे ही इसने इधर ओपनिंग दी, इस प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे जो लो है उससे बाहर ओपनिंग दी, तो देन सेल हो या देन बाय हो, तो ये भी चीज कर सकते हैं। पर वो थोड़ा सा एडवांस लेवल में आ गया एंड उसके अंदर काफी चीजें ऐड करनी पड़ेगी, तो वो चीज तो मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। अभी के लिए मैं ओनली ये बता रहा हूं जैसे इस पे टच हो तो वो चीज कैसे हो। तो ये चीज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस वॉच के आइकन पे क्लिक करना है, अलर्ट्स पे क्लिक करना है, ये प्लस का जो आइकन है, देन यहां पर आपको कंडीशन डालनी है। कंडीशन में हम यस बैंक ले रहे हैं, तो आपको जैसे ही आप इस प्लस के आइकन पे क्लिक करते हो बाय डिफॉल्ट आपके सामने ये पेज आएगा।
आपको वैल्यू में जाना है, वैल्यू में जाके इस इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है। इस इंडिकेटर का जो नाम है अभी ये है सीपीआर बाय केजीसी, इन फ्यूचर हो सकता है चेंज हो जाए, तो अभी के लिए हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड हमें पता है ये जो आपको मैंने बताया, आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, मतलब आइडेंटिटी पता होनी चाहिए इस लाइन की आइडेंटिटी क्या है। तो मेरे को पहले से पता है ये डेली प्रीवियस डे लो है, तो हम यहां जाएंगे एंड सबसे नीचे जाएंगे क्योंकि मेरे को पता है सबसे नीचे है ये प्रीवियस डे लो एंड इसे सिलेक्ट करेंगे। तो हमने कंडीशन बना दी भाई, जैसे ही इसे क्रॉस करेगा जैसे ही हमारे ऑर्डर अलर्ट्स आ जाए। अब इधर ऑप्शन में चार ऑप्शन है, अगर आप इस चीज को ले रहे हैं तो ओनली वंस करें कि जैसे एक बार टच हो उसके बाद आपका अलर्ट्स ऑफ हो जाए, आपका बॉट्स ऑफ हो जाए। पर अगर आप वंस पर बार कर देते हो, बार का मतलब कैंडल होता है, एंड जितनी बार कैंडल टच होगी उतनी बार आपको अलर्ट्स आएंगे क्लोजिंग पे, मतलब एक मिनट की कैंडल है तो 49 सेकंड के बाद जब क्लोज होती है देन आपको अलर्ट्स आएंगे। अगर आप वंस पर बार कर दे तो जितनी बार कैंडल टच होगी, मतलब जो कैंडल नहीं होगी और जितनी बार टच होगी वो आपको अलर्ट्स आएंगे। तो अभी इसके लिए जो बेस्ट होता है वो वंस पर बार होता है। उसके बाद आपको कोड डालना है, तो बॉट की कोडिंग में आपको बता दूं हमारी कहां मिलेगी। आपको हेल्प पे जाएंगे, ये एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, हेल्प पे जाएंगे, आपके सामने पेज खुलेगा। एंड मैं चाहता हूं इधर डायरेक्ट सेल करना, तो मैं सेल कोड उठा सकता हूं, पर मैं अभी सेल कोड नहीं उठा रहा, मैं लिमिट ऑर्डर सेल कोड उठा रहा हूं। तो मैंने ये क्लिक करा एंड मैंने इसे कॉपी करा, इधर गया एंड मैं इसमें अलर्ट डालने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको एक लाइव डेमो दिखा दूं। अगर टच होगा तो मैं ऑर्डर लगता हुआ भी दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको जरोधा का अकाउंट दिखा दूं, यहां पर कोई भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं है। तो आप देख सकते हो ये पहले सुबह का एक ऑर्डर था जो मैंने डेमो दिखाया था, एंड अभी यहां कोई ऑर्डर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां गए एंड मैंने यहां पर एक कंट्रोल वी से पेस्ट करा। बाय डिफॉल्ट एसीसी है, इसे यस बैंक कर देता हूं। आप चाहो तो ये चीज फ्यूचर ऑप्शन किसी चीज में भी कर सकते हो, मैंने एक वीडियो डाल रखी है आप उसे देख सकते हो, फ्यूचर ऑप्शन एमसीएक्स में काम कैसे करें, तो आप उसको देख के सीख सकते हो। एंड मैंने मार्केट रेट से ₹1 ऊपर कर दिया। तो ये मैंने कमांड की भी वीडियो डाल रखी है, कमांड कैसे काम करती है और किसका क्या रोल है आप उसे भी देख के समझ सकते हो। और मैंने क्रिएट कर दिया, ये कंटिन्यू पूछ रहा है कि आप ये रिपेंट हो सकता है, तो मैं कंटिन्यू कर देता हूं। ये वार्निंग दे रहा था मुझे कि ये हो सकता है रिपेंट हो जाए आपकी स्ट्रैटेजी। तो ये सारी चीजें करने के बाद अब देखिए मैंने अलर्ट डाला तो यहां ग्रीन लाइट जल रही है। इट्स मीन जैसे ही अब ये इससे टच होगा मेरा ऑर्डर जरोधा पे लग जाएगा। बेशक वो ऑप्शन हो, फ्यूचर हो, एमएक्स हो, एमसीएक्स हो, जो भी हो, जहां मैं ये चीज करवाना चाहता हूं वो चीज वहां हो जाएगी। तो अभी के लिए हमने ये करा है और हमें वेट करना पड़ेगा इसके टच होने का, जब तक हम दूसरी स्क्रिप्ट ढूंढ लेते हैं। तो हम वॉच लिस्ट में गए एंड मैं दोबारा से ढूंढता हूं, यहां से हम ढूंढते हैं। तो आप ऐसे मल्टी स्टॉक पे ये चीजें लगा सकते हो एंड जिसमें टच होने वाला होगा। जैसे यहां देखिए एक टाटा मोटर फिर से मिला एंड ये मेरे को ब्लू लाइन पता है डेली लो है। आप इसमें चार्ट में और चीजें भी ऐड कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाऊं, इधर गया, अब इसमें यहां गए एंड इनपुट में गए। इनपुट में जाने के बाद आप शो वीकली एंड शो वीकली हाई इसको भी कर दिया, तो अब आपको वीकली लो एंड वो भी शो होंगे। तो काफी ऊपर है, आई थिंक दिख नहीं रहे मेरे को, मैं एक बार चेक। अच्छा, मैंने यहां से हाइड कर रखे हैं, इधर गया मैं इनपुट में गया, इनपुट में जाने के बाद मैंने यहां से भी हाइड कर रखे हैं। तो ये प्रीवियस डे वीकली एंड प्रीवियस डे हाई, ये दो लाइन और देख सकते हो आपके सामने आ गई, ये थोड़ा सा लाइट में आई है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनकी लाइन थी। तो मैं इनको भी ट्रिगर कर सकता हूं, तो मुझे पता है कि हाँ वीकली वीक का हाई ये है एंड वीक का लो ये है, तो इनको भी ट्रिगर कर सकता हूं मैं। बट अभी मैं आपको डेली पे दिखा रहा हूं, सेम चीज आप वीकली पे भी कर सकते हो, मंथली पे भी। तो हम इस पे ट्रिगर करते हैं, ये जो टाटा मोटर है हम इसको फिर से ट्रिगर करते हैं। जैसे इस पे टच हो तो अलर्ट्स आए, तो हमें फिर वॉच के आइकन पे क्लिक करना है, इधर जाना है, इधर जाने के बाद हमें वैल्यू पे जाना है, इंडिकेटर सेलेक्ट करना है एंड इंडिकेटर सेलेक्ट करने के बाद हमें पता है हमें ये जो करना है वो डेली लो पे करना है, जो लाइन है डेली प्रीवियस डे लो है। तो हमने इसे सेलेक्ट करा एंड यहां पर हम कोड डालेंगे, तो कोड कॉपी करके लाता हूं, लिमिट ऑर्डर का कोड ला रहा हूं, आप कोई सा भी कोड डाल सकते हो, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, जो आपका दिल करे वो डाल सकते हो, ठीक है जी। तो मैंने यहां कोड डाला एंड यहां सिंबल में बाय डिफॉल्ट एसीसी है, इसे मैंने टाटा मोटर कर दिया, ये देखिए मैंने टाटा मोटर करा एंड उसके बाद मैंने प्लस वन करा, ये मैं प्लस वन करने जा रहा हूं, तो जिससे कि ये सेल का कोड ही डाल रहा हूं मैं, आप देख सकते हो इसमें सेल लिखा होगा, ये लिखा एंड मार्केट रेट से ₹1 ऊपर लगे, जब सिग्नल आता है उससे ऊपर लगे। तो मैं ये दो तीन जगह इसलिए डाल रहा हूं कि जितनी जल्दी आपको मैं एक लाइव डेमो दिखा सकूं उतना ही अच्छा रहेगा और वीडियो लंबी नहीं बनेगी, क्योंकि लाइव डेमो नहीं दिखाते तो लोगों को समझ नहीं आता। तो ये दो में डाल दिए मैंने, एक मिनट माइक गिर गया, माइक को ऊपर कर दूं, हाँ दो में डाल दिया और ये कैंडल फिर से ऊपर हो गई, तो हो सकता है ये अभी ऊपर की तरफ चले जाए। तो हमें दूसरे स्टॉक और ढूंढने पड़ेंगे, हम वॉच लिस्ट में जाते हैं
एंड टाटा मोटर से फिर से स्टार्ट करते हैं, ये ONGC में आए, इधर कोई लाइन नहीं है, इधर आए, एक बार मैं चार्ट को रीसेट कर देता हूँ जिससे कि दिखे। तो यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं जो इंडियन ऑयल है IOC, यहाँ पर भी थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, इस पर भी हम एक बार अलर्ट डाल ही देते हैं, अगर टच होगा तो हमें दिख जाएगा। पर ये क्या है, सॉरी अब मैं आपको बता दूं, ये जो लाइन है वो है वीकली लो, वीकली लो की लाइन है। अब मैं इस वीकली लो पे डालने जा रहा हूं, वॉच के आइकन पे क्लिक करा, प्लस के आइकन पे क्लिक करा, यहां गया, इंडिकेटर सेलेक्ट करा, मेरे को पता है यहां वीकली लो की लाइन कौन सी है, तो मैं इधर गया एंड वीकली लो पे सेलेक्ट करा, वंस पर ओनली वंस करा, एंड यहां पर मेरे को कोड डालना है तो मैं गया एंड कोड कॉपी करा मैंने, ये देख लीजिए मैं फास्ट कर रहा हूं, आप इस चीज को स्लो मोशन में देख सकते हैं, एंड मैंने इधर कोड डाल दिया, एंड कोड डालने के बाद मैंने जो इसको एक क्या नाम है इसका सिंबल का वो कॉपी करा एंड ACC के बदले वो डाल दिया, एंड ये बाय डिफॉल्ट जो कोडिंग है वो 5 रुपए ऊपर है, इसे मैं 1 रुपए कर देता हूँ कि जो सेल का ऑर्डर है वो 1 रुपए ऊपर लगे एंड कंटिन्यू। तो अभी तक हम तीन स्क्रिप्ट, तीन सिंबल में ये चीज डाल रखे हैं और कभी कहीं भी अप्लाई नहीं हुई, जहां अप्लाई होगी वैसे ही ऑर्डर लग जाएगा। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं, यहां मेरा कोई ऑर्डर नहीं है एंड हम वेट करते हैं क्योंकि अभी अप्लाई नहीं हो रही, और ढूंढते हैं हम इस स्क्रिप्ट कि किसके अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो IOC से फिर से स्टार्ट करते हैं, हम नीचे आए विधानता पे, विधानता में काफी ऊपर चल रही है मार्केट, इधर भी काफी ऊपर चल रही है, ये निफ्टी 50 के स्टॉक है, मैं सब में चेक कर रहा हूँ आपको लाइव डेमो दिखाने के लिए, क्योंकि जिसके पास होगी एक बार लाइव डेमो दिखा दूंगा। ये भी थोड़ा ऊपर है, कोई भी बिल्कुल पास नहीं दिख रही, एंड ये भी काफी ऊपर है, एंड ये भी काफी ऊपर है, मतलब कैंडल काफी ऊपर है, जो मैं ऊपर कह रहा हूँ कैंडल काफी ऊपर है लाइन से, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। ये थोड़ा सा पास तो है, पता नहीं कब तक जाएगी, फिर और नीचे आते हैं, थोड़ा सा क्लोज वाली लाइन मिल जाए तो आसान होगा मेरे को आपको दिखाना, एक मिनट में करे जा रहा हूँ। तो यहाँ भी काफी ऊपर, यहाँ भी काफी ऊपर, हाँ ये बिल्कुल पास चल रही है, ये ICICI बैंक है, फटाफट मैं डाल देता हूँ। एंड सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये क्या है, ये है हमारा, एक बार चेक कर लूँ, मेरे को भी कन्फर्म करना है, ये हमारा जो है वो है ये हमारा डेली हाई है, प्रीवियस डे हाई की लाइन है जो आसपास चल रही है और टच भी होने वाली है। फटाफट अलर्ट डाल के दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ फटाफट डल जाए टच होने से पहले। तो मैं इधर गया, इधर मैंने ये लिया एंड डेली हाई ले लिया, प्रीवियस डे हाई कहाँ पर है, यहाँ पर है, प्रीवियस डे हाई ले लिया, फटाफट कोडिंग पे गया, कॉपी करी कोडिंग एंड इधर गया एंड फटाफट कोड को पेस्ट करा एंड ICICI डाला बैंक का नाम एंड मैंने इसके बदले ये डाला एंड इस बार मैंने गलती कर दी, मैंने सेल का कोड डाल दिया, इधर बाय का कोड डालना चाहिए ना, तो आप चाहो तो जो भी कोड डाल सकते हो, फिर से मैं बाय का कोड कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि वो हाई को तोड़ रहा है, ऐसे ही करते हैं लोग कि हाई टूटे तो बाय हो, सेल टूटे लो टूटे तो सेल हो, ऐसे कुछ करते हैं, पर आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर लो, कोड जो डालोगे वही काम होगा, कंडीशन मैटर नहीं करती। तो मैंने ये डाला एंड मार्केट रेट से 1 रुपए नीचे लगे बाय का ऑर्डर, एंड इत्तेफाक की बात है ऑर्डर लगाने से पहले ये है ना वहां से निकल गया, आप देख सकते हो लेटेस्ट जो कैंडल है वो क्रॉस हो चुकी है, मतलब टच होके हट चुकी है, तो कोई नहीं दोबारा टच होगी अलर्ट्स आ जाएगा, पर अब ये है कि हमारी किस्मत खराब थी कि हम इसको मिस कर दिया हमने, क्योंकि हम थोड़ा सा टाइम लगा दिया लगाने में। तो अभी तक जितनों में भी लगाए थे अगर हम चेक करें, किसी में सपोज मानो मैं सुबह इन सारी चीजों को लगा देता हूं एंड मैंने 10 स्टॉक लगाए और 4 में मेरी स्ट्रैटेजी ट्रिगर कर जाती है तो 4 ऑर्डर ऑटोमेटिक लग जाएंगे। ये है ऑटोमेशन ट्रेडिंग का फायदा। आप अगर मैनुअल काम करते तो आपको एक एक स्टॉक पे जाके देखना पड़ता, भाई ये डेली हाई टूट रहा है, अगर टूटने वाला है तो आपको बैठना पड़ता, जैसे टूटेगा तो फिर आप बाय करोगे या सेल करोगे, जो भी आप करना चाहते हो, बट यहां ये नहीं है, बोट अपने आप कर देगा, आपको बस कंडीशन देनी है। तो ये डेली हाई पे मैं ये तो देखते हैं, मैं तो कोशिश कर रहा हूं अगली कैंडल इस पे टच हो जाए क्योंकि ICICI बैंक की जो कैंडल है वो चल रही है। फिर से मैं एक बार ऑर्डर दिखा दूं, ऑर्डर में कुछ नहीं है एंड ये थोड़ा सा टच हो जाए, आप देख सकते हो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे को यही लग रहा है कि यही टच होगी। लाल जो डॉट देख रहे हो वो हमारी लाइन है, क्या लाइन है, वो लाइन है हमारी, आई थिंक मैं तो भूल भी गया लाइन कौन सी थी, हाँ डेली हाई थी, सॉरी प्रीवियस डे हाई थी, तो प्रीवियस डे हाई है एंड कोशिश देखते हैं थोड़ा सा ऊपर हो जाए, टच हो जाए एक बार, जैसे ही टच होगी यहाँ अलर्ट्स आएगा, जैसे अलर्ट्स आएगा हमारा ऑर्डर लग जाएगा, जो भी हमने लगा रखा हो एवरीथिंग, बाय लगा रखा है, सेल लगा रखा है, स्टॉप लॉस लगा रखा है, क्लोज पोजिशन लगा रखा है, कैंसिल ऑर्डर लगा रखा है, बहुत सारी कोडिंग है, आप जो लगाते हो वो चीज होगी, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ। तो वेट करते हैं, ये फिर से नीचे की साइड आ रहा, कैंडल थोड़ा सा ऊपर की साइड बने तो हो सकता था,
और मैंने चार चार अलर्ट्स लगा रखे, वीडियो बन गई 15 मिनट की और अभी तक हमें एक भी लाइव डेमो देखने को नहीं मिला कि ये चीजें वर्क कर रही है नहीं कर रही है। मेरे को तो पता है वर्क कर रही है, पर आपको यूजर को दिखाना जरूरी होता है, नहीं तो यूजर को समझ ही नहीं आता एंड इसी चक्कर में बोरिंग वीडियो बन जाती है। तो अब यहां देखिए फिर से एक कैंडल ओपन हुई और आई थिंक ये जरूर टच करेगी क्योंकि ये डॉट के बिल्कुल पास है, जो हमारा पिवोट पॉइंट था जो प्रीवियस डे हाई था उसके पास ही ओपन हुई है। एंड ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव कर दें, थोड़ा सा नहीं नीचे को ही आ रही है। तो देखिए ये जैसे मैच में कमेंट्री करते हैं वैसे कमेंट्री करनी पड़ रही है एंड ये चीजें हो नहीं रही मेरे को फिर से। हाँ ये यहाँ पर टच होने को आ रही है, ये देखिए टच हो गई, जैसे इन्हें टच करा यहाँ अलर्ट्स आया एंड हम ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ देखिए आईसीआई का ऑर्डर भी लगे। जितनी देर में हमने विंडो की टैब खोली उतनी देर में ऑर्डर लगा हुआ है। आईएलटीपी प्राइस देखे तो ये देखिए 459 है और 458 पे लगा है क्योंकि हमने कोडिंग में 1 रुपए नीचे डाला था। आप चाहते तो आपका डायरेक्ट बाय हो जाता। तो वीडियो तो लंबी बनी पर रिजल्ट मिला, हमें देखने को मिला कि ये चीज वर्क कर रही है। इसी तरीके से आप प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, वीकली हाई वीकली लो, मतलब जो प्रीवियस डे का वीकली हाई और वीकली लो होता है, मंथली हाई मंथली लो, सेम प्रीवियस डे का मंथली हाई मंथली लो, इस चीज पे आप ट्रिगर कर सकते हैं। एंड अगर आप इस चीज को पिवोट पॉइंट के साथ करना चाहते हैं क्योंकि ये पिवोट पॉइंट के इंडिकेटर पे लगा रखा है, तो आपको हमारी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आप हमारे चैनल पे जाइए, आपको पिवोट पॉइंट से रिलेटेड टाइटल मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।